जॉब ऐसी जॉब मिल गई जिसमें आप 40,000 रुपये महीना मिलोगे मिलेगा पर मंथ, क्योंकि 40,000 रुपया सैलरी काफ़ी बढ़िया सैलरी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी इनकम मानी जाती है। गुजारा तो आपका कर सकती है, आपके लिए लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज तो दे सकती है, लेकिन आपके शौक पूरे नहीं कर सकती। बाइक भी अच्छी चाहिए, हो सकता है 40,000 वाला बंदा बाइक की बजाय कार लेने की भी सोच ले। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह भाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लिखा है इफ यू गेट सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ, मतलब आपको यदि जॉब ऐसी जॉब मिल गई जिसमें आप 40,000 रुपये महीना मिलोगे मिलेगा पर मंथ, तो आप उस जॉब से आपके क्या रिएक्शन होंगे? नो डाउट बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि 40,000 रुपया सैलरी काफ़ी बढ़िया सैलरी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी इनकम मानी जाती है। 2-3 साल पहले 4 साल पहले मेरा ख्याल है जब कांग्रेस की सरकार थी शायद, तो यहाँ पर जो टीचर थे जिनको रेगुलर करियर किया गया था, जो पहले मतलब टेम्परेरी पोस्ट पर थे उनको रेगुलर किया गया था, तो 15,000 रुपये महीना उनको दिया गया था। तो 15,000 के हिसाब से 40,000 काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन 40,000 रुपया जो है वो आपके गुजारा तो आपका कर सकती है, आपके लिए लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज तो दे सकती है, लेकिन आपके शौक पूरे नहीं कर सकती। अब जिस आदमी के पास 40,000 रुपया आएगा वो आदमी एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन रखने की कोशिश करेगा, रखना भी चाहिए क्योंकि उसके बिना गुजारा ही नहीं है। यदि हम एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन लेंगे तो उसका उसमें बजट जाएगा। जो आदमी 40,000 रुपये लेता है वो 10,000 रुपये 15,000 वालों से अच्छी आमदन है, वो उनसे अलग रहेगा, उसके लिए उनको ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, बाइक भी अच्छी चाहिए, हो सकता है 40,000 वाला बंदा बाइक की बजाय कार लेने की भी सोच ले। तो यदि हम ये कार लेने की सोचेंगे, कुछ इस बाइक महंगा बाइक लेने की सोचेंगे, तो डेफिनेटली हम अपनी उसमें इस 40,000 की इनकम में टाइट हो जाएंगे। टाइट होने की वजह से हमें फिर कोई ना कोई दिक्कत आएगी। मैंने ये देखा है मोहाली में, जो आदमी 40,000 रुपये कमा रहे हैं महीने का आसपास में और अकेले रह रहे हैं घर पे, मतलब वो परिवार के साथ नहीं रह रहे, अकेले रह रहे हैं, यहाँ पर पीजी में रहते हूँ, तो पीजी का जो किराया है 8-10,000 रुपये महीना, वो मैंने ये देखा है कि बहुत कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीते हैं। मतलब वो 40,000 रुपये लेने वाला बंदा भी ये नहीं है कि बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड की पीजी में रह रहा है या स्टैंडर्ड का मतलब खाना खा रहा है, स्टैंडर्ड के खर्चे कर रहा है, नहीं, ये गुजारा ही होगा। क्योंकि ये जो मैंने इनकम डाटा आपको बार बार कहता हूँ, 1940 में 10 रुपये था, 1960 में ये 100 रुपया था, और 1980 में ये 1,000 हो गया, और 2000 में ये 10,000 रुपया हो गया, और 2020 में ये 1,00,000 रुपया हो गया, 1,00,000। तो ये इनकम डाटा एक नॉमिनल बंदों का इनकम डाटा है, मीडियोकर फैमिली है जो उनका डाटा है, मिडिल क्लास फैमिली का डाटा है ये, जो 1940 में 10 रुपये लेता था और 2020 में लेता है। ये कौन बंदे थे? जो पटवारी लगे हुए थे, जो टीचर लगे हुए थे, जो फौजी थे, जो पुलिस में है, जो LIC में है, जो बिजली बोर्ड में है, जो बैंकों में, उनके पास ये सैलरी उनको मिलती है। यदि उनको ये सैलरी मिलती है तो उनके भी गुजारे ही हो रहे हैं, ये नहीं है कि वो ऐश कर रहे हैं। उनको उनके पास अपनी मर्जी का घर नहीं है, उनके पास अपनी मर्जी की कार नहीं है, उनके बच्चे अपनी मर्जी से बाहरले मुल्कों में नहीं पढ़ते या उन कॉलेजों में नहीं पढ़ते, स्कूलों में नहीं पढ़ते जहां वो पढ़ाना चाहते हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। तो 40,000 रुपये वाला बंदा जिसको 40,000 रुपये सैलरी है, मैं उसको बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया, लेकिन आप कहीं ना कहीं टाइट होके ही गुजारा करोगे। यदि आपकी 40,000 की जॉब है तो डेफिनेटली आपका सोचना बनता है कि हम जॉब के साथ कुछ और काम करें। यदि आप कोई और काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट, जो कोई आदमी शेयरों का काम कर रहा है, कोई और अलग तरीके का काम कर रहा है, कोई किसी तरीके का काम, अपनी आमदन आपको बढ़ानी पड़ेगी। यदि आपने लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट जीनी है, यदि आपने मतलब समझौते वाली जिंदगी नहीं जीनी, यदि आपने अपने शौक पूरे करने, तो 40,000 में आपका गुजारा नहीं होगा। ये 40,000 वाले बंदे हैं जो ये इनको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ठीक है, फिर भी आप बधाई के पात्र हो कि आपने कुछ ना कुछ तो करा। कुछ लोग तो 10-15,000 रुपये महीने पे, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, एक बंदा राजपुरा के पास से 15,000 रुपये महीना लेता है और अपने घर से 25 किलोमीटर दूर आके ये अपने राजपुरा थर्मल प्लांट है उसमें जॉब कर रहा है। उसका घर और उसका दोनों का डिफरेंस तकरीबन 25 किलोमीटर है, और बाइक से आना है, बाइक से जाना है,
15,000 रुपए की सैलरी है, यदि 15,000 में से उसके बाइक का खर्चा निकाल दे निकाल दो और बाइक की डेप्रिसिएशन निकाल दो, मैं हिसाब लगा रहा था उसको सिर्फ 6,000 रुपये महीने बचता होगा 15,000 में से, क्योंकि 6,000 चलो 6 नहीं 8,000 बजेगा 9 बजेगा, तो 5-6 हज़ार रुपये तो बाइक भी खा जाएगा ना उसका। तो हमें बहुत ज़्यादा 40,000 रुपये वाले बंदे को खुश होने की जरूरत नहीं, खुशी की बात यह है कि आप 40,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया, आपका पहला स्टेप सक्सेस की तरफ आपका पहला स्टेप आ गया। और अगला स्टेप लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको मत्था मारना पड़ेगा कि हमें कहाँ से अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर लाइफ जो हमारी कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जिएगी। तो हमें अपने घर में, जब आपके दोस्त हैं तो आप घर में एसी भी चाहिए, घर में और सहूलतें भी चाहिए, मेडिकल जब आपके कोई परिवार में बीमार हो जाता है मेडिकल सहूलतें भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। 40,000 में गुजारा नहीं होता। यदि आप अकेले हो तो 40,000 में चलो हो सकता है आप दाल रोटी ठीक खा लो, यदि आपका कह लो वाइफ आ जाएगी बच्चे हो जाएंगे उनकी फीसें हैं तो डेफिनेटली वो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि इनकम डाटा जो ये कह रहा है इसके इसके बाहर हम जा ही नहीं सकते। और ये 1,00,000 रुपया 2020 में जो कमा रहा है, ये 1940 में जो 10 रुपये कमा रहा था उससे पीछे चल रहा है, क्योंकि इसके पास इस जो 10 रुपए वाले के पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, कार नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं था और कई सहूलतें नहीं थी, इसके पास सारी सहूलतें होनी चाहिए होनी होंगी इसके पास। प्लस 30% जो एम्प्लॉई है उसका तो टैक्स काटना बड़ा आसान है, आज भी व्यापारी आदमी थोड़ा बहुत हेट ऊपर कर लेता है, एम्प्लॉई आदमी की तो सैलरी पक्के में जानी है तो पक्के में गवर्नमेंट की नज़र रहती है कि इसकी सैलरी कितनी, उसका टैक्स भी कटा जाता है, यदि टैक्स भी कट जाए तो ये काफ़ी नीचे आ जाती है, टैक्स भी काटा गया और ऊपर से यदि उसके ब्रांडेड कपड़े वाला मोबाइल फोन वाला शौक कार वाला शौक दूसरे शौक आ जाए तो उसके लिए कम से कम 50,000 रुपये और चाहिए। तो 40,000 रुपये वाला बंदा बहुत बढ़िया 40,000 रुपये कमाओ, लेकिन आपका जो टारगेट है आपका जो एक फोकस है वो उससे कहीं ऊपर रहना चाहिए, ताकि आप वो जो आपका फोकस जहाँ रहेगा जो आपका टर्निंग पॉइंट जो साबित हो सकता है जो आपका मकसद है या जो आपका टारगेट है वो आपका अचीव हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, बहुत सिंपल बात है ये लेकिन आपके लिए सोचना जरूर बनता है, इसीलिए ये वीडियो का मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोग 40,000 रुपये लेके बहुत ज़्यादा खुश ना हो, 40,000 रुपये वाले बंदे भी सिर्फ दाल रोटी ही खाएंगे जैसे 1,00,000 रुपये वाला खा रहा है, पहले तो 1,00,000 तक खाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे।